बाइक वगैरह सारी टूट गई, सारी नहीं मतलब लगभग 30-40 हज़ार का नुकसान। वर्कशॉप पे छोड़ दी मेरे बाइक, कसम से कसम से। अबे भाई कोई चक्कर आ रहा है कसम से। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया है शाहिद पे प्रैंक करने का। कैसा प्रैंक? एक्सीडेंट प्रैंक। अल्लाह रहम करे पहले तो। मैं क्या करूँगा, मैं बाजार से बहुत सारा बैंडेज लेके आऊँगा और पूरी बॉडी पे बैंडेज लगाऊंगा, बाजू पे, टांगों पे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और जब शायद स्कूल से आएगा तो उसको बोलेंगे यार बाइक पे एक्सीडेंट हो गया मेरा, बाइक भी टूट गई, बाइक में छुपा के रख दूंगा, बाइक टूट गई और मेरी ऐसी हालत हो गई। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है उसका। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत डर जाएगा वो। तो लेट्स सी, बाजार चलते हैं, मैं बैंडेज वगैरह लेके आता हूँ और काम चालू करते हैं। ओके, इट्स गोना बी सुपर फन। कमरे की हालत देखो यार, वाओ, नीट एंड क्लीन, ओह माय गॉड। कल कैमरा लगवाया ना घर पे, तो उसी का गंद है, ये सारा सिस्टम उसी का है। ये देख लो जी, तारे शारे ये सारा साफ करना है आज। यहाँ लॉबी में भी सामान पड़ा है, लॉबी में ये भी सारा उठाना है। चलो जी चलो जी। मौसम आज काफ़ी ठंडा है, बादल छाए हुए हैं पूरे, रात को बारिश भी हो रही थी। चप्पल कहाँ है मेरी चप्पल? चप्पल हियर इट इज, एंड हियर इज माई बीस्ट, माई लवली बाइक। बाइक को यहाँ छुपा देंगे। अरे यहाँ से तो बाढ़ आ गई है, वाह। ये रोज का, जब भी बारिश होती है ना ज़्यादा, तो यहाँ से लीक करता है। यहाँ से है नाला एक छोटा सा, तो उधर से पानी आता है, यहाँ से बाहर में जाता है। ये बंद कराना था यार। ये देख लो जी कहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से, और यहाँ पे लीक कर रहा है तो यहाँ से निकल रहा है। और निकल पड़ा जी मैं अपनी प्यारी सी बाइक पे बैंडेज लेने, और रोटी भी लानी है। माने बोला रोटी लाना, रोटी भी लेके आएंगे, बैंडेज भी लेके आएंगे। ये आ गई जी मेडिकल शॉप पे। गाइस बैंडेज भी ले लिया और रोटी भी ले ली, लेट्स गो होम नाउ, बैक टू स्वीट स्वीट होम। ये देख लो गाइस, बाइक मैंने कहाँ रख दी, घर के पीछे वाले साइड से, यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं जाएगी। ये देख लो एकदम खुफिया, शायद यहाँ से आता है और यहाँ से यहाँ से यहाँ से सीधे ऊपर, वहाँ बिल्कुल नजर नहीं पड़ेगी। ऑल सेट, चाय पी लो गाइस, गर्म गर्म चाय विद बगीर खानी। चलो जी गाइस काम चालू करते हैं। यार मैं बड़ा क्या बता, नर्वस भी हूँ एक्साइटेड भी हूँ, मतलब कैसे कुछ होगा, लेट्स सी हो जाएगा यार, शायद बहुत डर जाएगा अगर सारा सही से हुआ ना। ओके गाइस बाजू सेट हो गई, यहाँ पर थोड़ा लगा लेता हूँ, लुक्स गुड, सही है यार। अगर सारा सही से हुआ ना, और शायद को सही में लगा कि हाँ मतलब सक्सेसफुल अगर प्रैंक हुआ, तो शायद की हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि उसको पता है घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि घर वाले फिर चलाने नहीं देंगे बाइक, घर वाले डांटेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, घूमने नहीं देंगे। टांग पे लगाते हैं, ओ भाई टांग पे एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, एकदम परफेक्ट। बाजू पे और एक लेयर करते हैं मेरे हिसाब से, थोड़ा लूज रह गया। अभी गाइस सर पे लगाने की बारी आ गई है भाई, लेट्स सी। शायद अभी थोड़ी देर में ही आ रहा होगा, आज फ्राइडे है ना, तो उसका हाफ डे है, तो 12-1 बजे तक आ जाता है वो। ऐसे ऊपर मैं टोपी रखूंगा, टोपी कुछ यार, फिर टांग टाइट होगी यार। दिस ओ भाई अभी रियलिस्टिक लग रहा है ना।
हेलो गाइस, अबे मेरा गला बंद हो गया रे, मैं ज़रा टाइट बांध आ रही है। अब इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए वी विल यूज बेटाडीन, ठीक है? आई एम रेडी गाइज, रेडी फॉर द प्रैंक, लेट्स डू इट। अब बस शायद का वेट करते हैं, वो बस आ रहे होगा थोड़ी देर में। विल किल इट भाई, मैं राक्षस लग रहा हूँ। राक्षस तो गाइज शायद स्कूल से आ गए और मैंने उसको मैसेज कर दी कि भाई जल्दी आ जा, कांड हो गया आज। ऐसे ना नॉर्मली मैसेज कर दी मैंने उसको कि कांड हो गया आ जा जल्दी, तो वो पूछ रहा क्या क्या कांड हो गया। रुको मैं आ रहा हूँ। तो अभी बस बेड पर लेट हूँ एकदम मरीज की तरह। ऐसे मैं दो तकिए रख दिया ताकि थोड़ा रियल लगे, और ऐसे रहेंगे और देखते हैं उसका रिएक्शन होगी। शायद आ रहा है, शायद आ रहा है। ओके, अरे शाहिद भाई इज हियर गाइस। ये कैसे हुआ? देख ले भाई, कैसे एक्सीडेंट हो गया यार। कसम से बाइक वगैरह सारी टूट गई, सारी नहीं मतलब लगभग 30-40 हज़ार का नुकसान। वर्कशॉप पे छोड़ दी मैंने बाइक। कसम से लगी तो नहीं? ये क्या है फिर, क्या लगी माने बोला ऐसे व्लॉग वगैरह सब बंद कर दो, व्लॉग नहीं बनाना इधर। हाँ बंद कर दो। ओए पागल है। ओ मत कर, ओए लग नहीं रही। ओ मत कर, मुझे नहीं लग रहा यार। ये ठीक है, मत कर। पागल है यार। खाना खाया थोड़ा सा। अबे भाई कोई चक्कर आ रहा है कसम से। क्या चक्कर आ रहा है? कसम से यार मेरी दिक्कत होती है यार। अबे क्या कर रहा है? ओए काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ओए ये ड्रामा कर रहा है यार, तुझे कैसा लगा? अरे फेक है क्या? क्या फेक है, नहीं यार सच्ची है। और क्या ड्रामा कर, बता कैसा लगा तुझे? फेक लग रहा है बता। बहुत ज्यादा कसम से। जब तू बैंडेज खुद को लगा रहा था मैंने देखा। क्या बकवास कर रहा है? अल्लाह कसम मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है उसकी, रिक्शा में दिखाता तू देख। तो गाइस अरे भाई के साथ हो गया जी एक बहुत ही बड़ा पोपट यार। अरे भाई के साथ हो गया जी बहुत बड़ा पोपट। मैं जब स्कूल से घर आया मैंने रेंडमली कैमरा चेक किया, मुझे लगा यार होता है ना पहले क्योंकि कल ही लगाया हमने कैमरा, होता है ना पहले। लेकिन मैंने क्या देखा, ये देखो जी, अरे भाई खुद पे बैंडेज लगा रहे हैं ताकि शायद मेरे पे प्रैंक होने वाला है कि मुझे लगी है, एक्सीडेंट हुआ है जो भी। लेकिन बंदा पकड़ा गया, अब मैं चाहूँ तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस पर प्रैंक करूँ कि मुझे पता है कि आप कि मुझे नहीं पता क्या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब देखते हैं उसका उनका क्या रिएक्शन। बाय द वे गाइस क्वालिटी थोड़ा बहुत मैनेज कर रहा क्योंकि मेरे पास सस्ता फोन है। यस अबे यार शिट यार। अब मैंने सोचा कि देख अब मेरे अगर मैं आपको ओ, मैं कैमरा किसने कनेक्ट करके दिया? उसी ने जो लगा रहा था। कब? उसी वक्त। तो तू क्यों कैमरा देख रहा था यार? आपकी प्राइवेसी लीक हो गई। अब देख क्या मैं चाहता था उसी वक्त आपका पर्दाफाश करता, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं ताकि ट्विस्ट आ जाए व्लॉग में। मैं सोचूं यार इतना इंटेंस है क्या कर रहा है चक्कर वगैरह। अबे यार इतनी मेहनत लगी है क्या? हाँ दिख रहा है। लेकिन आपने बताया ये ब्लैक आयोडीन कैसे? ये तो अंदर से लगाना होता है ताकि बाहर निकले। आपने बाहर से लगाया है? ऊपर से लगाया है, काला हो गया। इधर रियलिस्टिक है ये, इधर सही है। हां ये वाला लग रहा है कि जैसे अंचल हम सिनेमा से मत दिखा फुटेज।
कैमरा लगाने का मेरे पे असर पड़ गया गलत। शिट यार, अगर मुझे पता होता तेरे पास कैमरा का ये है, वो पट कर दिया तूने कसम से यार। यार मेरे को इतना बुरा लग रहा है कसम से, इतनी मस्त रिएक्शन मिलती है तेरे को, रियल लगता ना लगा तू कैमरा लेता, रियल लगता ना सारा। हो सकता है ये वाला थोड़ा फेक लग रहा है, लेकिन ये रियल लग रहा है ना। हाँ, ये भी फेक लग रहा है, इतना छोटा को रखता है। अच्छा इधर फ्रैक्चर कैसे होता है? अरे यार मैं थोड़ा बहुत क्या यार। ओके बहुत टाइट बांधा था मैंने। कितने बजे लगाया था? अभी आधा घंटा पहले। तो गाइस अभी अब चलते हैं नमाज पढ़ने और इस व्लॉग करते हैं थ्री एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया व्हाट्स योर रीजन यू द लाइक, आई विल सी यू सम अदर डे, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ये भी उठाने वाला था मुझे लगा ये भी फेक ही है, लेकिन ये रियल है। ये निकाले निकाले ये भी क्या? ये भी है। अबे यार बड़ी मेहनत की है आपने।